प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान निकले कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर के जरिए की पुष्टि। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसकी जानकारी उन्होंने स्वयं दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए कहा कि मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, मुझे कुछ दिन से कोरोना वायरस के लक्षण नजर आ रहे थे। इसके बाद मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया और टेस्ट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के जरिए यह भी कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं, जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह अपना कोरोना टेस्ट करवा ले और जरूरी एहतियात बरते। साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता से अपील की, सावधानी रखें, जरा सी भी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। उन्होंने स्वयं के लिए यह भी कहा कि मैंने कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन अनेक विषयों को लेकर लोग मुझसे मिलते थे, जिससे कि मैं इस महामारी के संपर्क में आ गया हूँ। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोरोना का इलाज समय पर होता है तो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके साथ ही अब नजर डालते हैं देश के कोरोना आंकड़ों पर। भारत में कोविड-19 के मामलों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच गई है। महज 2 दिन पहले संक्रमण के मामले 12 लाख के पार हुए थे। इस महामारी से देश में अब तक 8,49,431 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 48,916 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 13,36,861 के पार पहुंच गई है, जबकि 757 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अभी भी 4,56,071 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। संक्रमितों की कुल संख्या में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। यह लगातार तीसरा दिन है जब कोविड-19 के एक दिन में 45,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में जिन 757 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 278 महाराष्ट्र के, 108 कर्नाटक, 88 तमिलनाडु, 59 उत्तर प्रदेश, 49 आंध्र प्रदेश, 35 पश्चिम बंगाल, 32 दिल्ली, 26 गुजरात, 14 जम्मू कश्मीर, 11 मध्य प्रदेश और 8-8 लोगों की राजस्थान और तेलंगाना से मौत हुई है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर करना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज पर फॉलो जरूर करें।